हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा शेयर के बारे में। 1.15 पे सजेस्ट किया था मैंने, आज का प्राइस है 1.0। रिजल्ट आ चुका है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है। लॉस मेकिंग कंपनी है, हमेशा से बोलती हूँ, बट लॉस काफी कम हो गया है अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से। ये एक पॉजिटिव चीज है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न, एटलीस्ट हम अपने अमाउंट को डबल तो कर ही सकते हैं। बट फिर भी बोल रही हूँ, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो जो भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग इन्वेस्टमेंट करें। रीजन सेक्टर का भी है, 5G सेक्टर आने वाला है, आपको पता है ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है। 5G सेक्टर से रिलेटेड दो न्यू अपडेट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ये है कि रिलायंस जियोस परचेज ऑफ 700 MHz लाइकली टू गिव इट एज ओवर राइवल्स। तो फ्रेंड्स, रिलायंस जियो इज अ टॉप बिडर, आप सबको पता है ऑक्शन में, तो ये परचेज करेंगे 700 MHz। सो काफी अच्छा नेटवर्क बूस्टर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये हमें कहाँ से मिलेगा? जीटीएल इंफ्रा, एचएफसीएल, टीटीएमएल, ऐसी कंपनी से। तो जीटीएल इंफ्रा एक अभी सेक्टर का एक पैनी स्टॉक है, 1 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक टाइम पे ये शेयर 100 रुपीज पे ट्रेड करता था, बट नाउ एक 1 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगी, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, लॉस काफी कम हो गया है, बट फिर भी आपको रिस्क, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करनी है। सो फ्रेंड्स, 1.15 पे मैंने सजेस्ट किया था, तो जो भी लोग हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट में, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और रुकना चाहते हैं तो वो भी रुक सकते हैं। सो सेकेंड न्यूज क्या है कि टेलीकॉम मिनिस्टर सेज 5G स्पेक्ट्रम हार्मोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन 1 डे पोस्ट ऑक्शन। तो ऑक्शन के बाद, जस्ट 1 डे के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड, दोनों पॉजिटिव न्यूज है, आपको पता होना चाहिए। 5G अक्टूबर, सेप्टेम्बर अक्टूबर में सर्विसेज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी हम लोगों को। सो उस अकॉर्डिंग ये शेयर आपको एक अच्छा रिटर्न जरूर बना के देता है, बना के दिया भी है। सो बना के आगे फ्यूचर में भी दे सकता है, बिकॉज रिजल्ट अब कम, रिजल्ट में अब लॉस कम आया है, तो डेफिनेटली हम अपर सर्किट एक्सपेक्ट करेंगे इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट जीटीएल इंफ्रा शेयर। कोई क्वेरी हो आपको जीटीएल इंफ्रा शेयर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहा है, वो भी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री में आपको हमेशा 1.15 और 1.20 के आसपास सजेस्ट करती हूँ। बट फ्रेंड्स, जैसे कि अब इनका रिजल्ट आया है, तो माइट बी ये उस रेंज तक ना जाए, अब 1.15 के आसपास ना जाए, क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट आया है, तो हम इसमें अप ट्रेंड में मूवमेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दो जो न्यू अपडेट्स आए थे 5G सेक्टर से रिलेटेड, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है जीटीएल इंफ्रा शेयर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू जरूर बताने वाली हूँ। एंड स्टिल दोबारा बोलूंगी, पेनी स्टॉक्स में हमेशा कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।